भोपाल में दर्दनाक हादसा, कमला नेहरू अस्पताल में बच्चों के वार्ड में लगी आग, चार बच्चों की झुलसकर मौत। हमीदिया अस्पताल कैंपस में कमला नेहरू अस्पताल में तीसरी मंजिल पर है पीडियाट्रिक वार्ड, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। सोमवार रात करीब 9 बजे वार्ड में लगी आग, अस्पताल में अफरा तफरी मची। अस्पताल में 40 बच्चे भर्ती थे, 36 बच्चों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं, शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट आग लगने का कारण। आग की घटना पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताया, बच्चों की मौत को असहनीय पीड़ा बताया, परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की। शिवराज सिंह चौहान ने कहा बचाव कार्य तेजी से हुआ लेकिन दुर्भाग्य से चार बच्चों को नहीं बचाया जा सका। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आग की घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के ACS मामले की करेंगे जांच। शिवराज के मंत्री विश्वास सारंग ने आग लगने वाली जगह का मुआयना किया, सीएम शिवराज ने डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी। मृतक बच्चों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान, मंत्री विश्वास सारंग बोले जांच के बाद की जाएगी कार्यवाही। हमीदिया अस्पताल के कैंपस में इससे पहले भी 7 अक्टूबर को लगी थी आग, ठेकेदार के स्टोर रूम में लगी थी आग। क्रूज ड्रग्स केस के गवाह प्रभाकर साइल से आज फिर होगी पूछताछ, सोमवार को एनसीबी टीम ने करीब 9 घंटे सवाल जवाब किए। एनसीबी को प्रभाकर साइल से कई और सवालों के चाहिए जवाब, इसलिए आज सुबह 10:30 बजे फिर तलब किया। आज एनसीबी के SIT के सामने पेश होंगे आर्यन खान, रविवार को तबियत खराब होने की वजह से पेश नहीं हुए आर्यन। क्रूज ड्रग्स केस में लेन देन के आरोप पर बड़ा एक्शन, एक्टर चंकी पांडे के भाई चिक्की पांडे को समन। सैम डिसूजा के बयान के आधार पर चिक्की पांडे को समन, सैम के मुताबिक चिक्की ही पैसों का बैग लेकर लोअर परेल आया था। आज महाराष्ट्र के गवर्नर से मिलेगा समीर वानखेड़े का परिवार, पत्नी पिता और बहन रखेंगे अपनी बात। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस आज दोपहर 12 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से रिश्तों पर कर सकते हैं खुलासा। मुंबई मेट्रोपॉलिटन कोर्ट का नवाब मलिक को 29 नवंबर से पहले हाजिर होने का आदेश, मोहित कंबोज ने मानहानि का केस दर्ज किया। गवाह किरण गोसावी की पुलिस कस्टडी बढ़ी, आज भी पुलिस की गिरफ्त में रहेंगे गोसावी। कश्मीर में आतंकवादियों की एक और कायराना हरकत, श्रीनगर में कश्मीरी पंडित के दुकान पर काम करने वाले मजदूर की गोली मारकर हत्या की, आतंकवादियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली में 10 नवंबर को अफगानिस्तान को लेकर NSA लेवल की बड़ी बैठक, रूस और ईरान समेत 8 देश के NSA लेंगे हिस्सा। उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के NSA भी बैठक में होंगे शामिल। दिल्ली में प्रदूषण घटाने को लेकर केजरीवाल सरकार की अहम बैठक आज, सभी विभागों की होगी ज्वाइंट बैठक, आबोहवा ठीक करने के उपायों पर बैठक में होगी चर्चा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्र को लिखी है चिट्ठी, पराली को लेकर पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान के साथ इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की मांग की। दिल्ली NCR में 5 में से 4 परिवार वायु प्रदूषण से प्रभावित, लोकल सर्कल ने कराया सर्वे। पंजाब में 15 सितंबर से अब तक पराली जलाने की 32,734 घटनाएं, जो कि पिछले साल की तुलना में 25% कम। आज बदायूं और शाहजहांपुर के दौरे पर जाएंगे सीएम योगी, कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सीएम योगी सुबह 11 बजे बदायूं पहुंचेंगे, एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 12:30 बजे शाहजहांपुर जाएंगे सीएम योगी, शाहजहांपुर में 2 जगह है कार्यक्रम, लोगों को संबोधित करेंगे। कैराना से सीएम योगी की हुंकार, कहा मुजफ्फरनगर दंगा, कैराना का पलायन राजनीतिक मुद्दा नहीं, पलायन को मजबूर करने वाले खुद पलायन कर गए। पिछली सरकार पर योगी का तंज, कहा पहले दंगाइयों को बुलाकर मुख्यमंत्री करते थे सम्मानित, अब हिंदुओं के घर जले तब खामोश था विपक्ष। सीएम योगी को तालिबानी मानसिकता स्वीकार नहीं, सुरक्षा में सेंधमारी करने पर दूसरे लोग की यात्रा करनी होगी। सीएम योगी बोले मोदी जी ने धर्म का चक्र घुमा दिया, जो पहले मंदिर नहीं जाते थे वो अब बड़ा तिलक लगाकर घूमते हैं। कैराना में पलायन के बाद लौटे परिवारों से मिले सीएम योगी, हिंदू पीड़ित अगर हिंदू हैं तो उससे मिलना गुनाह नहीं। कैराना में पलायन के पीड़ितों पर योगी का मरहम, कहा बिना तुष्टिकरण अपराधियों पर होगा एक्शन, कैराना के पीड़ितों को देंगे मुआवजा। रामपुर में सीएम योगी का आजम खां पर निशाना, सत्ता के संरक्षण में जमीनों पर कब्जा किया, गरीबों वंचितों की जमीनों पर कब्जा नहीं होने देंगे। असदुद्दीन ओवैसी का सीएम योगी पर अटैक, मुजफ्फरनगर में 50,000 लोग बेघर हुए, सीएम योगी इसे आन बान शान की आंच बता रहे हैं। ओवैसी ने कहा सीएम योगी ने मुजफ्फरनगर दंगे के 77 केस वापस लिए, बीजेपी की मानसिकता को देख रही है यूपी की जनता। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर आज दोपहर 2 बजे संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक, आगे की रणनीति पर फैसला। 26 नवंबर को संसद मार्च करने पर अड़े किसान संगठन, 32 किसान संगठनों ने प्रस्ताव को पारित किया। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के पंढरपुर को दी बड़ी सौगात, संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम फोर लेन के हाईवे के विस्तार की नींव रखी। पीएम मोदी ने कहा सबके लिए खुले भगवान विट्ठल के द्वार, हाईवे से श्रद्धालुओं की राह होगी आसान। आज भी राष्ट्रपति भवन में दिए जाएंगे पद्म अवार्ड, आज 2021 के लिए 119 लोगों को किया जाएगा सम्मानित।
राष्ट्रपति भवन में 2020 के लिए 141 पद्म पुरस्कार विजेताओं को किया गया सम्मानित। सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, जॉर्ज फर्नांडिस को मरणोपरांत पद्म विभूषण। पंडित छन्नूलाल पद्म विभूषण से सम्मानित। पुरस्कार पाने वालों में 29 महिलाएं, 16 मरणोपरांत पुरस्कार विजेता और एक ट्रांसजेंडर शामिल। मंगलुरु के फल विक्रेता हरे काला हजबा को पद्मश्री सम्मान। हजबा ने अपनी कमाई से गांव में बच्चों के लिए खोला स्कूल। पद्मश्री मिलने के बाद बोले हरे काला हजबा, सपना था मेरे गांव का हर बच्चा शिक्षित हो। पीवी सिंधु को पद्म भूषण, रानी रामपाल को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। मैरीकॉम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कंगना रनौत, करण जौहर, एकता कपूर और अदनान सामी को मिला पद्मश्री सम्मान। पद्म भूषण पुरस्कार मिलने पर पीवी सिंधु ने जताया आभार, कहा अवार्ड हमें भविष्य में और अच्छा करने की प्रेरणा देता है। पद्मश्री मिलने पर सिंगर अदनान सामी ने भारत सरकार और लोगों का शुक्रिया किया, कहा माता पिता को समर्पित करूंगा अवार्ड। पद्म पुरस्कार विजेताओं और उनके रिश्तेदारों से मिले पीएम मोदी, पुरस्कार मिलने की दी बधाई। बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर और कड़ी की गई सुरक्षा, पुलिस को दो संदिग्धों की तलाश। टैक्सी ड्राइवर के मुताबिक दो संदिग्ध एंटीलिया के बारे में जुटा रहे थे जानकारी, पुलिस ने टैक्सी ड्राइवर का बयान दर्ज किया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से लश्कर का एक आतंकवादी गिरफ्तार, AK-47, दो मैगजीन और 40 राउंड गोलियां बरामद की गई। पुलवामा के मीरामुंड में पकड़ा गया लश्कर का आतंकी, दो हैंड ग्रेनेड बरामद। रांची के भाकपा माओवादियों के तीन नक्सलियों ने किया सरेंडर। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ कैंप में अपने ही जवानों पर फायरिंग करने वाला जवान हिरासत में, हमले में चार जवानों की मौत, तीन घायल। असम राइफल्स के जवानों ने बड़ी साजिश को किया नाकाम, भारत म्यांमार बॉर्डर से 200 आईईडी जब्त किए। मणिपुर के मोरहे में भारत म्यांमार सीमा से बरामद हुए आईईडी का वजन करीब 282 किलो। पंजाब के मोगा और फिरोजपुर में ड्रग्स की बिक्री को लेकर एक्शन में डिप्टी सीएम रंधावा, दोनों जिलों के एसएसपी को सख्त कार्रवाई का निर्देश। दिल्ली पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार, बवाना इलाके की एक विवाहित महिला पर एसिड फेंकने का आरोप। मुंबई के विक्रोली में एक दुकान में लगी भयानक आग, आग बुझाने में जुटी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। यमुना एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस की टक्कर के चलते 20 लोग घायल। पुणे में स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेस के कर्मचारियों की हड़ताल, सेवा में बढ़ोतरी की मांग। छठ पूजा पर नदन रेलवे ने चलाई 94 पूजा स्पेशल ट्रेनें, 5.5 लाख यात्रियों को मिला अतिरिक्त बर्थ। ट्रेनों के इंतजाम को देखने के लिए नदन रेलवे महाप्रबंधक आशुतोष गंगल पहुंचे आनंद विहार रेलवे स्टेशन। छठ पूजा की शुरुआत के साथ ही लखनऊ में भी तैयारियां तेज, घाटों की सफाई की गई। छठ को लेकर सज उठा लखनऊ का गोमती घाट, लोगों ने अपनी अपनी जगहों को सजाया। मुंबई में छठ पूजा के लिए बीएमसी ने गाइडलाइंस जारी की, वार्ड स्तर पर आर्टिफिशियल लेक में छठ पूजा मनाने को कहा। रांची में भी छठ को लेकर तैयारियां पूरी, मेयर और विधायक दोनों ने छठ के घाट का लिया जायजा। सीएम केजरीवाल को चुनौती देकर आईटीओ पर बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने मनाया छठ, कहा जिन्होंने जीत दिलाई उन्हें छठ पूजा से रोका गया। दिल्ली में 800 घाट पर छठ पूजा का इंतजाम, डिप्टी सीएम ने कहा त्योहार पर कोविड गाइडलाइंस का पालन करें श्रद्धालु। 10 और 11 नवंबर को तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में होगी जबरदस्त बारिश, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। चेन्नई में बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, तमिलनाडु के पूर्व मंत्री डी जय कुमार ने किया दौरा। चेन्नई में 11 नवंबर तक बारिश का रेड अलर्ट, पुडुचेरी में स्कूल कॉलेज बंद। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने चेन्नई में भारी बारिश से प्रभावित इलाकों का दौरा किया, लोगों को जरूरी राहत सामान बांटा। तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता पालनी सामी भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे, बाढ़ प्रभावितों में राशन बांटा। केंद्र सरकार ने जाइडस कैडिला की डीएनए बेस्ड वैक्सीन की 1 करोड़ डोज को दिया ऑर्डर, एक डोज की कीमत 265 रुपए। बच्चों के लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के डेटा का मूल्यांकन जारी, डीसीजीआई से अंतिम मंजूरी की प्रक्रिया में अभी लगेगा वक्त। असम आने वाले 10 साल से कम उम्र के बच्चों और को दोनों वैक्सीन की डोज लेने वाले जो लोग हैं उन्हें नहीं कराना होगा कोविड टेस्ट। देश में कोरोना के 11,451 नए मामले, 24 घंटे में 266 लोगों ने दम तोड़ा। केरल में कोरोना के 5,404 नए मरीज, एक दिन में 80 लोगों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र में कोरोना के 751 नए मामले, 24 घंटे में 15 मरीजों की मौत। सीरिया की सेना का दावा, रात के अंधेरे में इसराइल ने किया हवाई हमला, दो जवान घायल। इसराइल के लड़ाकू जहाजों ने मिसाइल से किया हमला, सीरिया के एयर डिफेंस ने कई मिसाइलों को मार गिराया। पाकिस्तान सरकार और प्रतिबंधित आतंकवादी समूह तहरीके तालिबान पाकिस्तान 1 महीने के संघर्ष विराम पर सहमत, देश में स्थायी शांति कायम करने के लिए पहल। पाकिस्तान ने चरमपंथी संगठन तहरीके लब्बैक पाकिस्तान से प्रतिबंध हटाया। स्पेन के ला पाल्मा में ज्वालामुखी से लगातार निकल रहा है लावा और राख, वैज्ञानिकों के मुताबिक 3 महीने तक ऐसी ही रह सकते हैं हालात।
चीन में इस सीजन की पहली बर्फबारी, पहाड़, मैदान और पेड़ सब बर्फ की सफेद चादर में ढके। T20 वर्ल्ड कप के आखिरी मैच लीग मैच में भारत ने नामीबिया को 9 विकेट से हराया। सेमीफाइनल की रेस में पहले ही बाहर हो चुकी है टीम इंडिया। नामीबिया को हराकर टीम इंडिया ने कोहली और शास्त्री को दी सम्मानजनक विदाई। भारतीय क्रिकेट में एक साथ कप्तान और कोच के रूप में विराट कोहली और रवि शास्त्री के युग का समाप्त। बतौर T20 कप्तान विराट कोहली ने खेला अंतिम मैच, बाकी फॉर्मेट में कप्तान बने रहेंगे कोहली। टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री का भी हर फॉर्मेट से रिटायरमेंट। साल 2017 से टीम इंडिया के कोच थे रवि शास्त्री। टॉस हारकर नामीबिया ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेट खोकर 132 रन बनाए। डेविड विजे ने सबसे ज्यादा 26 रन बनाए। भारत ने 1 विकेट खोकर टारगेट हासिल किया। रोहित शर्मा ने 56, केएल राहुल ने 54, सूर्य कुमार यादव ने 25 रन बनाए। भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा और आर अश्विन ने शानदार गेंदबाजी कर 3-3 विकेट चटके। रविंद्र जडेजा को शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच दिया गया। T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में रोहित शर्मा के नाम एक और उपलब्धि। 3000 रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बने रोहित। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।